अपार्टमेंट बिल्डिंग ना सिर्फ एक नहीं है, ये लाइन में से सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग इस तरफ भी हैं और उस तरफ भी लाइन में सारी बननी है। अपार्टमेंट में जो किराएदार है ना वो आपस में लड़ पड़े हैं। मुझे मैनेजमेंट का भी फोन आ गया, सर आप पहुंचे इधर, अपार्टमेंट करना है हमने खाली। मैं वापस आई गया गाइस। अब गाइस तुम लोग समझ तो गए होगे हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, इधर अपना अपार्टमेंट है अंदर। हसन पहुंच गए गाइस अपने ब्यूटीफुल अपार्टमेंट में। आज यार इतना काम नहीं है तो गाड़ी में बाहर ही खड़ी करता हूँ, बेसमेंट में नहीं लेके जाते। सारा गाइस खुला खुला इलाका है ना, तो तुम लोग चेक करो कि हवा कितनी तेज चल रही है। इधर से यार तुम लोग व्यू चेक करो, सुबह सुबह तुम लोग उठो बाहर आके इधर गोल्फ शॉल्फ खेलो, फिर अपना नाश्ता वाश्ता इधर बैठ के करो, खुले खुले व्यूज लो। अपार्टमेंट बिल्डिंग ना सिर्फ एक नहीं है, ये लाइन में से सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग इस तरफ भी है और उस तरफ भी लाइन में सारी बननी है। चीजें मैंने तुम लोगों को सारी दिखा दी, अगर फिर भी तुम लोगों का लेने का मूड बन जाए ना तो तुम लोगों ने कोशिश करना तुम लोगों को अपार्टमेंट वो मिले जिसका व्यू अच्छा हो। यार उस दिन तुम लोगों को लॉबी नहीं दिखाई थी, लॉबी से सीधा चलते हैं ऊपर अपार्टमेंट में। तुम लोगों को मैंने बताया था कि एसी का इशू चल रहा है, तो उसके लिए यार मेरे सुबह उठने से पहले इन्होंने मुझे मैसेज किया होता कि 10 बजे टेक्नीशियन जो है वो आपके अपार्टमेंट में पहुंच जाएगा। गुड मॉर्निंग ब्यूटीफुल अपार्टमेंट। अपार्टमेंट का काम यार सुबह सुबह मैं इसलिए कराने आ गया हूं ना क्योंकि यार एसी वगैरह जो है ना ये अंडर वारंटी होते हैं, तो बेहतर यही है जिस वक्त मसला निकला साथ ही इसका मसला हम सॉर्ट आउट कर लें। तुम लोग इधर बेल्कनी से व्यू देख लो कि क्या खुला खुला मजे का सामने व्यू आता है। जो महंगे अपार्टमेंट है ना इसमें निगोसिएशन का भी बहुत ज्यादा मार्जिन होता है, मतलब तुम लोगों को अगर ये प्राइस कोट करे ना तो तुम लोग कभी उस प्राइस पे लो ना, तुम लोग इनसे लाजमी निगोशिएट करो। एक कोशिश तुम लोग करो कि तुम लोग जो भी अपार्टमेंट लो ना तो उसका व्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। व्यू अगर अच्छा होना तो जिस दिन तुमने सेल करना उस दिन सेल भी हो जाएगा, और जिस दिन तुमने रेंट आउट करना है रेंट आउट भी हो जाएगा, एयरबीएनबी करना है वो भी हो जाएगा आराम से। कोई ड्रिंक श्रिंक पीते हैं जब तक बंदा आ रहा है। तुम लोग वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस नोट पे हम स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग, तो लेट्स गो। बस आधा व्लॉग आते ही यार मैं पहला काम हमेशा ये करता हूँ कि खिड़कियां दरवाजे वगैरह खोल देता हूँ, क्योंकि यार वेंटिलेशन होती रहे ना तो फिर अपार्टमेंट में कोई स्मेल वगैरह नहीं आती। इसको भी खोल देते हैं, इसको भी खोल देते हैं। वह लोग ये आगे बंदे साथ थे, बंदे पीछे आ गए, टेस्टिंग शुरू होगी। एसी की लीकेज चेक कर रहे हैं, अगर कोई कॉपर पाइप की लीकेज हो। लीकेज कह रहे हैं कोई नहीं, बाहर से कोई तारों का इशू है आउटर के। मैं यार इधर बैठ के पहले वाला व्लॉग एडिट करता हूँ, चीजें पे ठीक करवा के तुम लोगों से मिलता हूँ। एसी जो है आधा घंटा लगा के उन्होंने दोनों ठीक कर दिए। मेरे ख्याल से गैस का एक का मसला था और दूसरी कोई पावर सप्लाई का मसला था। उन्होंने जो है अपना काम काफी पहले खत्म कर दिया था। मैं बैठा हुआ यार कल वाला ब्लॉग एडिट कर रहा था। तुम लोगों को पता तो है 25-1 मिनट का ब्लॉग है, उसको एडिट करते हुए भी यार लग पता जाता है। खुल जा सिम सिम, अब सीधा चलते हैं गाड़ी में। इधर रहना यार इस तरह लगता है कि किसी होटल में बंदा रह रहा है। लॉबी रिसेप्शन वगैरह चेक करो। अपनी डिस्को का धूप में खड़े हुए हाल बुरा हो गया, क्योंकि टाइम तुम लोग चेक कर लो दोपहर के 2 बज चुके हैं। सॉरी यार अभी चेक किया 2 नहीं बजे, 3:30 हो गई। और मेरे फोन की भी यार बैटरी खत्म होने लगी है, चार्जर भी कोई नहीं हमारे पास आज। फोन जो है एक से मैं व्लॉग बना रहा हूँ और दूसरा एक फोन मैंने ये रख लिया साथ। तुम लोग साथ ही 15 Pro मैंने लिया था, उसके 2 महीने पूरे हो गए। तो पीटीआई ने ना मेरा फोन ब्लॉक कर दिया, इसके ऊपर कोई कॉल्स वगैरह कोई नहीं होती। इस फोन से ना हम लोग हॉटस्पॉट बनाते हैं और इस फोन में हम यूज करते हैं, सिम कॉल्स वगैरह सब कुछ इधर होती है, नेट उधर चलता है और ब्लॉग इधर से बनता है। बहुत मुश्किल हो रही है यहाँ पे। टाइम एक्चुअली में 3:30 हो गए, खाना तक नहीं खाया मैंने अभी तक। उस दिन गए थे उस दिन बंद थी, आज देख लेते हैं आज खुली है कोई नहीं। सलामकुम, इतनी खुली है मार्केट। तुम लोगों के साथ मैं भी आज इनकी मार्केट देख लेता हूँ। ये तो मुझे पता है कि स्टोर में अकेला मैं ही हूँ। कैफे यार देखो अच्छा, छोटा सा क्यूट सा, चॉकलेट ट्रोसेंट पड़ा है, थोड़े बिस्किट वगैरह पड़े हैं, डेनिश पेस्ट्री, बनाना ब्रेड, सैंडविचेस वगैरह पड़े हैं। यार भैया ने एक चॉकलेट क्रोसेंट देते हैं। ग्रोसरीज में तो तुम लोग देख रहे हो कि शेल्फे पूरी भरी हुई है। वो फार्मेसी लिखा हुआ लेकिन अभी खुली नहीं है। क्रोसॉन्ट यार एक पकड़ लिया, ये ट्राई करते हैं। ये देखो ये बाकी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स वगैरह बननी है, इनका भी पोजीशन नहीं मिला हुआ। जिस वक्त यार सालों का पोजीशन मिल जाएगा ना उस वक्त मेरे ख्याल से सोसाइटी बाकी चीजों के ऊपर काम करना शुरू होंगी। तंदूर, ग्रोसरी स्टोर, मेडिकल स्टोर मेरे ख्याल से तब होगी ऑपरेशनल, अभी तो नहीं। ये देखो यार ये लिए क्रोसॉन्ट, चॉकलेट क्रोसॉन्ट ये ट्राई करके देखते हैं। वैसे लगता बड़ा मजे का सॉफ्ट सॉफ्ट सा रहा है। आज जो है देखो पावर बैंक भी डेड हो गया, तो इसलिए यार अब तुम लोगों से बाद में मिलूंगा, अभी मैं दुकान पे जाने लगा हूँ, उधर काफी काम है। नेक्स्ट डे थोड़े से गाइस बादाम खाते हैं। कल यार गाइस अपार्टमेंट से निकला था तो सीधा अपनी दुकान पे चला गया। उधर यार स्टॉक आया था नैनकिंग का काफी, तो तुम लोगों को पता है जब स्टॉक आ जाए तो फिर मैं तो खड़ा हो जाता हूँ छत के ऊपर, सर के ऊपर उनके। गर्मी बड़ी सख्त हुई है यार, एसी साथ ही ऑन करते हैं। हेडफोन्स को भी थोड़ी देर चार्जिंग पे लगा देता हूँ जब तक जिम पहुंच रहा हूँ। मेरी जिंदगी में यार मुझे समझ नहीं आती कहाँ से काम टपक जाते हैं। इस पूरी जगह में वो किसी बंदे की जगह, आप खुद सोच लो किसकी जगह होगी। ना मेरा लेना ना मेरा देना, लेकिन काम फिर भी करवाना मैंने ही है। जगह वो मेरी नहीं है लेकिन 2-bedroom अपार्टमेंट है। पिछले 7 से 8 साल से ना उसकी मैनेजमेंट फीस अभी लेला समझो मैं ही कर रहा हूँ। कोई किराएदार रखना हो, निकालना हो, कोई पेमेंट का इशू हो, कोई पेंट करवाने का, कोई अंदर कोई भी काम हो ना, वो काम सारा मैं करवाता हूँ उधर। अपार्टमेंट में जो किराएदार है ना वो आपस में लड़ पड़े हैं। आज लाइट तो है यार लेकिन पता नहीं फिर भी क्यों इतना अंधेरा किया हुआ है। खुद ही कोई ट्रेडमिल आज ऑन कर लेते हैं। सब छोड़ो यार हम लोग अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं।
कार्डियो भी कर लिया, आज वेट रेंज भी दबा के कर लिया। भाई सब मसला थोड़ा तो नहीं है, वो किराएदार ने मुझे थोड़ा मसला बताया था। मुझे मैनेजमेंट का भी फोन आके, सर आप पहुंचे इधर अपार्टमेंट करना है हमने खाली। मुझे लग रहा था दाल पी ली है, लेकिन यार इधर तो दाल ही अपनी काली निकली। खाली लाजमी करवाना होगा मेरे ख्याल से। गाइस एक एक्सपर्ट एडवाइस ले ले, हमारा जो ब्रदर इन लॉ है ना मलिक साहब, वैसे तो वो डॉक्टर है, पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट है, वो किराएदारों को अच्छी तरह समझते हैं, तो उनसे भी एडवाइस ले लेते हैं। कॉल करता हूँ उससे। मलिक साहब को गाइस कह रहे हैं, कॉल मलिक साहब से लेते हैं। विशेष टिप्पणी, डॉक्टर आरिस साहब पोस्टमार्टम के एक्सपर्ट। आज मलिक साहब क्या हाल है, ठीक हो? हमने समझो कि ये इस वक्त फोन आ फ्रेंड केबीसी में आप बैठे हुए हो, बड़ा अहम सवाल है। वो अपार्टमेंट में थोड़ा काम हो गया है। ओ मलिक साहब पोस्टमार्टम सही से करो, मजे नहीं लेने। अच्छा मुझे ये बताओ, अब वो किराएदार कह रहा है कि आप मेरी साइड लें कि मुझे आने दें वापस, तो मैनेजमेंट का भी फोन आया और जिस प्रॉपर्टी डीलर ने लगाया था उसको भी फोन चला गया कि ये लाजमी इसको करना ही खाली है। मेरे ख्याल से तो खाली कर देना चाहिए, आप क्या कहते हो? खाली करना चाहिए। आप बोले बन जाओ ना। हाँ आपको मुझे पता ही नहीं है क्या कर रहे थे, आप लोगों ने बताया कि ठीक है बिल्कुल करें आप इसको खाली कराएं। हाँ ये भी बात सही है। नहीं नहीं मैं फिर फारिग करता हूँ। गाइस मलिक साहब एक्सपर्ट है तो हम उन्हीं के कहने पे चलेंगे जो उन्होंने बात कर दी, कि बाद में फिर मसला ना हो तो इन्हें सीधा करते हैं अंपायर। भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का। जुम्मे की नमाज है 115 पे, जाना ना आपने। ये क्या स्टोरी है, ये क्या कह रही है? साफ कर रहे हैं। टेबल पहले यार एक दफा जुम्मे के लिए तैयार हो जाते हो ना तो फिर आज स्क्रैम्बल्ड एग्स बनाते हैं। लीची लाया? लीची तो रहेगी, ले आते हैं आज आके। पहले जुम्मे के बाद मैंने अपने कामों पे निकल जाना, फिर मुझे भी नहीं पता मैंने किस वक्त वापस आना होता है, 5, 6, 7, 8 बजे किस वक्त आना होता है, तो लीची इसको पहले ला देते हैं। चल यार डिस्को रानी चले लीची लेने। ओ बिल भी पड़ा था, गैस का बिल है गाइस 800 रुपए बिल है। इतनी खुशी मुझे। चलो जी पहुंच गए। ओ यार स्टोर तो ऑलरेडी बंद है जुम्मे के लिए, कोई नहीं यार कहीं और से पकड़ लेते। छोटे लीची है? नहीं। लीची ढूंढते हैं इसमें से। लीची 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 लीची। पूछते हैं लीची है कि नहीं। सलाम अलैकुम भाई जान, लीची है? कहाँ से मिलेगी? जा पूछ क्या। मैंने कहा कहीं आमों के नीचे ना छुपाई हो ना लीची। वो कह रहे लीची का सीजन खत्म हो गया। कैसा लग रहा हूँ गाइस? चिकनी चिकनी। तुम लोग भी कहते हो कि 8 दफा एक ही शलवार कमीज पहन आता है, मेरे पास आई है एक तो वही पहनूंगा ना। अभी 2 जानमाजे पकड़ लिए, 1 प्रोटीन बार पकड़ लिए, स्क्रैम्बल्ड एग वगैरह बनाने का टाइम नहीं है, प्रोटीन बार खाते हैं और सीधा चलते हैं नमाज पढ़ने। मामा एक तो यार वो पापा को भेज दिए अंदर से, तो दूसरा पानी की बॉटल एक पापा को दे दे। आप किधर आज? नमाज। क्या बात है, पढ़ा करें नमाज, अच्छी बात है। जमात खड़ी होगी गाइस, जल्दी से नमाज पढ़ते हैं। गाइस पापा का तुम लोग साथ मजाक कर रहा था, पापा है 5 वक्त के नमाजी, दुआ करो यार हम भी किसी तरह 5 वक्त के नमाजी बन जाए। पापा को गाइस हमने घर उतार दिया, हम सीधा चलते हैं अपनी दुकान की तरफ। सलाम अलैकुम मुजफ्फर भाई, वो बेड शीटें तो लगाए ना, सारा दुकान का काम रुका हुआ है। काम बन इस तरह के जिस वक्त मैं उस जगह पे होता हूँ तो काम हो जाता है, जिस वक्त मैं दूसरी साइड पे चला जाऊँ उस वक्त काम ही कोई नहीं होता। अपार्टमेंट जो है दुकान के बाद चला जाऊंगा, क्योंकि आप तो जाके मैंने सिर्फ चाबियां ही पकड़नी है ना, वहाँ से मैनेजमेंट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया। मैं तो कहता हूँ अच्छा कि ये मैनेजमेंट ने निकाल दिया, मतलब मैनेजमेंट उठी भी है सोई भी थोड़ी है, कि मतलब कुछ भी चलता रहे अंदर। दुकान पे चलते हैं सीधा, थोड़ा काम शाम करते हैं। इधर एक नया काम डाल गया, एक काम सीधा होता नहीं कि दूसरा भी खराब हो जाता है। इधर से सीलिंग तोड़ दी इन्होंने, पंखे की फिटिंग कर रहे थे, फिटिंग सही नहीं हुई तो उसमें वो सीलिंग भी टूट गई, इसको भी करवा लेंगे ठीक, इतना कोई मसला नहीं। बाकी यार गंद काफी पड़ा है, कल आके इसको धुलवाते हैं, नीचे पंखे ठीक लग गए। कल जो है गाइस दुकान का सारा काम रैप अप हो जाएगा। अब हमारे नए कामों में एक तो अभी मैं करवाने जा रहा हूँ अपार्टमेंट की चाबियां वापस लेता हूँ, दूसरा नए किराएदार भी ढूंढना मेरा काम है। पहुंच गए गाइस अपार्टमेंट में, पूछते हैं जाके क्या स्टोरी है, आखिर हुआ ऐसा क्या कि अर्जेंट एविक्शन करवानी पड़ गई। ये भी जगह गाइस खूबसूरत है, खाना खा रहे हैं यार वो, वैसे बात तो मुझे पता ही है क्या है, लेकिन फिर भी उनकी जुबानी सुनते हैं। तब तक यार तुम लोगों को जगह शगह दिखा देता हूँ यार, ये भी जगह बड़ी खूबसूरत है, अपार्टमेंट बिल्डिंग से पूरी भरी हुई है, जगह असल में अच्छी है और सारी फैमिलीज वाली जगह तो साथ ही किराए पे फिर से लग जाती है। पता नहीं गाइस नंबर कहाँ से निकलवा लेते हैं, 2-1 डीलर के मुझे फोन भी आ गए, सर अपना अकाउंट नंबर भेजें तो हम आपको एडवांस भेजते हैं, तो ये किराए पे आपने लाजमी हमें ही देना। मैंने कहा सब्र करो यार, इधर एक मसले से तो जान छुड़े। भैया ने एक चिकन बोटी लिखवाई थी फोन पे और एक रोटी, खाना ले लिए गाड़ी में बैठ के खाते हैं। तुम लोग भी यार बड़े दिनों बाद मेरी ये चिकन बोटी देख रहे होगे। पहले तो जिस वक्त हम लोग घर बनाते थे तो हम लोग खाते ही ये चिकन बोटी और रोटी थे रोज, इसको देख के यार मुझसे रुका नहीं जाता, बहुत ही मजे की गरम गरम और फुल स्पाइसी होती। आज भी खाना खाते खाते हमें 4 बज गए और यार मिट्टी डालो अपार्टमेंट पे, जो हुआ वो हुआ, अब तो हमने चाबी उससे वापस ले लिया, किसी और को देंगे किराए पे।
A few inches later. घर भी यार मैंने कहा चक्कर लगा के देखते हैं क्या चल रहा है अंदर। सीधा पैर चलते हैं पीछे वाली तरफ। मेरे ख्याल से पीछे वाली सीढ़ी है ना उसको पक्की करके। गंद छंद यार इधर से भी साफ करवाना है। सीढ़ी नहीं पक्की करके गया यार। मुझे कह रहे मैं पक्की कर गया। या तो मेरे ख्याल से कह रहे हो साइड वाली जो ग्रिल थी ना ये थोड़ी थोड़ी रह गई थी ये पूरी करके। वैसे लोहे वाले को भी मैंने काम से निकाल दिया। मैंने कहा जो काम कर रहे हो उसको खत्म करो इसके बाद आगे कोई काम नहीं करना। सेफ्टी ग्रिल अब ये नहीं बनाएगा। चौकीदार मेरे ख्याल से अंदर बैठा सोया हुआ है। कोई नहीं पंखा चला के गया भाई। इधर ही होगा बाहर किसी के साथ बैठा होगा। गाइस तुम लोगों के मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं। कोई कहता है कारपेंटर का नंबर दे कोई कहता है वेल्डर का नंबर दे। यार ये जितनी भी लेबर होती है ना मतलब मैं तो लेबर रेट के ऊपर करवाता हूँ। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट तो होता नहीं है इनके। जब तक सर पे खड़े होकर काम करवाओ ना ये काम कर देते हैं। अब देखो मेरा जिस तरह काम किया हुआ इधर ये सारा जो काम है सर पे खड़े होकर करवाता हूँ तब जाके इस तरह काम होता है। अब तुम लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट दे दो उसे को वही चीज बनानी है सवाल ही पैदा नहीं होता ये वो चीज बनाते। जब तक खुद एक एक चीज का ना बताओ ना इन्हें तब तक ये काम नहीं करते उस तरह। इस वजह से यार मैं तुम लोगों को इनकी कोई डिटेल शेयर नहीं करता। लग पता तुम लोगों को जाएगा अगर इनसे काम करवाओगे। सीढ़ी जो है ना करते हुए 3 महीने पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए थी। अभी गाइस बस घर पहुंचे। टाइम भी तुम लोग चेक कर लो। घर पहुंचते हुए रात के हमें 9 बज गए। आते हुए मैं एक खमीर और 4 पतीर लेके आया। इस घर में तो गाय सारों ने कसम खा ली कि लाइट हमने कोई ऑन नहीं करनी। चलो जी घर पहुंच गए। घर पहुंचते हुए मैंने सुंदर को मैसेज कर दिया था कि खाना गर्म कर दे। खाना नहीं गर्म हुआ अभी तक। लाइट्स का गाय जिधर भी इन्होंने कसम खाई हुई की लाइट हमने कोई नहीं चाहिए। सुंदर कसम खुदा की ये काम ना करो। गर्म क्या हो रहा है फिर? लोबिया खाना। मेरे ख्याल से इधर बर्फें पड़ रही है तो मामा ने खाने में आज साथ सूप भी बना दिया। सूप बनाने वाली क्या स्टोरी है? चिकन फालतू था। क्या था? चिकन फालतू पड़ा हुआ था। जिंदा मुर्गी का था? नहीं मुर्दा। जिंदा मुर्गी का कैसे बना सकते हैं? नहीं हाँ जिंदा का कैसे बना नहीं ठीक है गाइस सारे खिसके हुए। रात को काम करके पहुंचे हमें रात को 9 बजे। इधर सारे खिसके हुए। चलो गाइस हमारा लोबिया और चिकन हो गया गरम। इसको बस खाते हैं फिर सुंदर की वो लीची जो सुबह लेनी थी वो रह गई है वो लेने जाऊंगा। और इस वाले व्लॉग को मैं इस नोट पे एंड करना चाहता हूँ। अगर आपको ये वाला व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ओके okay?